नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने RO ARO 2016 का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। और आप सभी को पता है कि RO ARO 2021 का फॉर्म आ चुका है और संभवतः सभी लोग पेपर की तैयारी में लग गए होंगे। तो ये हिंदी का पेपर, इस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो पूर्णांक होता है ये 60 नंबर का होता है और अवधि 1 घंटे की होती है। सेकेंड पेपर होता है ये, उसी दिन होता है। और 60 क्वेश्चन होने की वजह से इसकी महत्वपूर्णता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कट ऑफ में इसके नंबर आपके नंबरों को कट ऑफ के नज़दीक भी ला सकते हैं, कट ऑफ में पास भी करा सकते हैं आपको। और इसलिए हिंदी का ये पेपर आपको तैयार अच्छी तरीके से करना चाहिए। और जैसे मैं इसमें अनुदेशों के बारे में बताऊँ कि इसमें जो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, और अब जो आयोग में जो नियम चल पड़ा है कि जो माइनस मार्किंग का सिस्टम है तो उसमें 1/3 माइनस मार्किंग का दिया हुआ है उन्होंने, तो 1/3 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं पेपर का, हम स्वरूप देखते हैं कि पेपर किस प्रकार का होता है, उसमें किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के संभवतः क्वेश्चन इसमें जिस प्रकार से इंग्लिश के वोकैब वगैरह होते हैं, जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है उसी प्रकार से हिंदी ग्रामर होती है। इसमें 6 टॉपिक कवर किए जाते हैं। एक तो तत्सम तद्भव होता है, विलोम शब्द होते हैं, और वर्तनीय अशुद्धि होती है, उसी में आपके वाक्य अशुद्धियाँ भी दूर करनी होती हैं। फिर आपके पास विशेषण विशेष्य आता है, पर्यायवाची हो जाते हैं, और एक टॉपिक आपका हो जाता है विलोम शब्द का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 6 टॉपिक इसमें कवर कर लिए जाते हैं। तो 10-10 क्वेश्चन सभी के आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का स्वरूप देखते हैं किस प्रकार से UPSC क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से कि इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अब इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तत्सम शब्द सभी लोग समझते हैं जो संस्कृत से वह शब्द जो सीधे हिंदी में यूज में ले लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि संस्कृत के वह शब्द जो सीधे तौर पर हिंदी की बोलचाल में सीधे तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव वह शब्द होते हैं जो कि उन शब्दों के अपभ्रंश रूप को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम तद्भव कहते हैं। इनकी पहचान इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से आप तत्सम शब्द पढ़ेंगे तो आपको इनमें संस्कृत भाषा का पुट समझ में आएगा, अगर आप तद्भव शब्द पढ़ते हैं तो आपको उसमें देसी ठेठ भाषा का, साधारण बोलचाल की भाषा का आपको उसमें यूज समझ में आएगा। लेकिन कई बार ये कन्फ्यूजन करता है और आयोग इन्हीं कन्फ्यूजन से आधारित क्वेश्चन को ज़्यादा बनाता है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका, एक ही आधार है कि अधिकतम से अधिकतम आप इन शब्दों का अभ्यास करें। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दही, दूसरा दिया हुआ है जीर्ण, तीसरा दिया हुआ है गयंद, चौथा दिया हुआ है गाहक। अब इसमें ये देखिए, इसमें जो इसका सही आंसर है वह है जीर्ण। अब जैसे कि दही है, गाहक है, तो दही तो हम सीधे सीधे बोलचाल में बोलते हैं, गाहक ग्राहक होता है इसका, तो इसीलिए इसका ग्राहक, क्योंकि ग्राहक ग्राहक का तद्भव रूप है और इसका तत्सम ग्राहक होता है, तो इस प्रकार से तत्सम शब्द हो जाएगा जीर्ण। गयंद भी एक तद्भव शब्द है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है जैसे अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो अगहन का तत्सम रूप, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अग्रहायण, अगहण, अग्राशन, अग्रहण, अग्रहण। तो अगहन जो नॉर्मली हिंदी बोलचाल में भाषा का स्वरूप है, तो उसका अब ये तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम रूप हमें देखना है, तो इसका तत्सम स्वरूप हो जाएगा अग्रहायण। बाकी शब्द भी दिए हुए हैं जैसे अगहण है, अग्रासन है, अग्रहण है। अब देखिए ये अभ्यास से संबंधित, अभ्यास पर निर्भर करता है कि आपको लगे कि अब जब आपने कभी पढ़ाई नहीं हो शब्द, तो हो सकता है कि आप अगहण का आप अग्रहण लगा दें या फिर अग्रासन लगा दें। आप सोचे ही ना कि आपको ये अग्रहण लगाना है आपको। अगला शब्द है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करिए। तद्भव शब्द है तो हमको तद्भव ढूंढना है, इनमें से एक तद्भव होगा, बाकी 3 हमारे तत्सम शब्द होंगे। तो पहला विकल्प है चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी, चौदह। तो अब चतुर्दश भी हमारा तत्सम है, चतुर्थ भी हमारा तत्सम है, चतवारी भी हमारा तत्सम है, सी 14 हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। तो आप प्रकार से देख सकते हैं कि तद्भव को हम इन तीनों में किस प्रकार से शब्द को पहचान ली हमने। अब एक शब्द, अब अगला शब्द है अभ्यंतर, अभ्यंतर का तद्भव शब्द। तो अभ्यंतर एक तत्सम शब्द दिया हुआ है, इसका हमें तद्भव बताना है। तो लिखा हुआ है अंदर, बाहर, गहरा, भीतर। अब देखिए अभ्यंतर ये शब्द जो है तद्भव तत्सम में भी पूछ लिया जाता है और वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्दों में भी पूछ लिया जाता है, वो आगे आपको पूछे जाएंगे। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है, उसका अर्थ होता है अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर। अब आयोग इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को आयोग इन दोनों में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करता है, अंदर और भीतर में। तो अभ्यंतर का सीधा मतलब होता है भीतर, और भीतर एक तद्भव शब्द है जो अभ्यंतर का तद्भव कहलाता है। करपट, करपट का तद्भव रूप क्या है, करपट। अब करपट क्या है, करपट कपड़े, करपट तत्सम शब्द है और तद्भव इसका रूप क्या है, कपड़ा तद्भव इसका रूप है। तो अब जैसे इसमें से कपट भी दिया हुआ है, कपूर भी दिया है, कारपेट भी दिया है, कपूर का कर्पूर होता है तत्सम शब्द, और करपट जिन लोगों को नहीं पता है वो करपट का तद्भव कपट लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस चालू होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बदलते हुए आएंगे, जैसे कि इसमें वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है।
अब हम इसमें विशेषण विशेष वाले शब्दों में आ गए हैं। देखिए विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे हम इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो विशेषण बता रहा है, तो वह बहुत खाता है, तो वह बहुत खाता है, तो इसका मतलब क्या है। इसमें चार विकल्प दिए हैं कि निश्चित परिमाणवाचक है, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो यह एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषक है, वह बहुत खाता है, वह कितना खाता है ये नहीं पता है, तो वह अनिश्चित है और मात्रा में नहीं बताया गया है, मात्रा बता रहा है एक तरह से। तो मात्रा जब भी बताई जाती है तो उसको हम परिमाण में गिनते हैं, और कितना खाया ये नहीं बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो गुणवाचक विशेषण किसी का गुण, तो पहला विकल्प है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, और मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो हमें गुण बताना है, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो बालक यहाँ पे क्या है, बालक यहाँ पे विशेष है। देखिए विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जो विशेषता बताई गई है उसको विशेषण बोलते हैं। तो बालक की विशेषता है यहाँ पे नटखट, वह एक गुण है उसका, और बालक यहाँ पे विशेष कहलाएगा। तो हमें विशेषण बताना है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सतीश चंचल बालक है, ये भी उसी प्रकार है। तो इसमें किस प्रकार, तो इसमें अब शब्द बताना है कि इसमें चंचल कौन सा शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, प्राविशेषण है, कि सर्वनामिक विशेषण है, कि विधेय विशेषण है। तो चंचल क्या है, एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो मानसिक शब्द विशेषण है, मानसिक, जैसे बोलते हैं ना किसी को मानसिक कष्ट है, उसको मानसिक दुविधा में फंसा हुआ है, तो उसकी दुविधा कैसी है, मानसिक है, तो ये उसका विशेषण हो गया। तो मानसिक किसको होता है, मानस को होता है, मनस तो होता नहीं है, ना मनस होता है ना मान होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा बी, मानस। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द किससे बना हुआ है, ये चारित्रिक विशेषण है, ये इसका मूल शब्द क्या है, तो चारित्रिक किससे बनता है, चरित्र से बनता है, कि उसका चारित्रिक, ये बोलते हैं ना कि इस स्त्री का चरित्र खराब है, तो चरित्र क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया, और चारित्रिक उसका विशेषण हो गया। मीमांसा का सही पर्यायवाची, अब हम पर्यायवाची पे आ गए हैं, तो मीमांसा का पर्यायवाची बताइए। तो मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है, मीमांसा का पर्यायवाची होता है समालोचन, जिसका अर्थ होता है तार्किक आलोचना करना। बिजली का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जैसे रमा, इंदिरा, कमला, इसमें पूछा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो अब ये हमें शब्द पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो बाकी 3 पर्यायवाची हैं और उनमें से एक पर्यायवाची नहीं है, तो रमा, इंदिरा, कमला, तो ये तीनों लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, और भारती लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, हमें नहीं है शब्द, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र भी कपड़े का पर्यायवाची होता है, पट भी कपड़े का पर्यायवाची होता है, वसन भी कपड़े का पर्यायवाची होता है, लेकिन वासन कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ मतलब बादल, देखिए बादल पयोधर, जलधर, वारीधर। अब मैं आपको एक बादल से संबंधित पर्यायवाची का एक वो बताता हूँ कि जिसमें धर शब्द लगा हो पानी के अर्थ के साथ में, तो वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है। बादल का मिश्रित शब्द भी आप समझ सकते हैं कि बादल क्या करते हैं, पानी को धारण करते हैं, तो पयो जल होता है, जल भी पानी का ही मतलब है, वारी भी पानी का ही पर्यायवाची है, तो जो पानी को धारण करे धर, तो वह मेघ का पर्यायवाची हो गया। लेकिन दामोधर, इसमें भी धर लिखा हुआ है, लेकिन दाम का मतलब होता है जिसके पेट में रस्सी बंधी हो, तो दामोधर मतलब जिसके पेट में रस्सी बंधी हो, तो दामोधर किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, तो ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, अब हम विलोम शब्दों पे आ गए हैं, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तिरोभूत। जैसे आविर्भाव एक शब्द और चलता है, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, तो ये तिरोभूत हो जाएगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक जो क्षण भर के लिए हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अक्षत है, अतुल है, अटल है, तो अग्रज का विलोम शब्द अनुज हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत है, तो एक जोड़ा जो है वो गलत होगा, बाकी जोड़े उसके सही होंगे। तो मौन का जो विलोम होता है वो मुखर होता है, मुखर मतलब जो साफ साफ कहने वाला हो, मौन जो चुपचाप रहता है। बरवर का विलोम सभ्य होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, कहते हैं तुमने बहुत शानदार काम किया और तुमने बहुत शर्मनाक काम किया, लेकिन अनुचर का परिचर नहीं होता। ये एक ही शब्द हो गए, एक ही अर्थ में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो विलोम शब्दों की दृष्टि से अगला प्रश्न है, इनकी एक युग्म गलत है, और वह है अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित परिच्छन, सुख दुख। तो अमित का विलोम परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन आच्छादित का परिच्छन नहीं होता है, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है।
ठीक है। तो वर्तनी की, अब हम वर्तनी शुद्धि पे आ गए हैं, मतलब हमें शब्दों को उनको सही तरीके से देखना है कि उनमें चिन्ह मात्राएं वगैरह सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं, हमें वर्तनी की दृष्टि से देखना है। जिस प्रकार से पहला कौन सा शुद्ध शब्द है, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित और विरहणी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा शुद्ध शब्द है जो है विवर्त शब्द है। अब ये विरहणी का जो सही तरीका होता है लिखने का वो होता है विरहिणी होता है, और जो अनुग्रहित में होता है तो इस प्रकार से अनुग्रहित में ये वाला मात्रा न लग करके गा में इस तरीके का मात्रा लगता है, तब जा करके सही कहलाता है। लेकिन एक जब शब्द हम जब आग्रह लिखते हैं तो आग्रह हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जब हम अनुग्रहित लिखेंगे तब हम अनुग्रहित में इस प्रकार की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा विवर्त हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ज्योतिषना, ज्योत्सना, जो ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, हमारा है ज्योत्सना। अब इसकी पहचान क्या है कि ज्योत्सना शब्द में दो शब्द आधे होते हैं, एक तो ता आधा होता है और सा भी आधा होता है। बाकी आप जितने भी देखेंगे कि सब कुछ में पूरा लिखा हुआ है, एक में ता आधा लिखा हुआ है, तो इसमें ज्योत्सना में दोनों ता और सा दोनों आधे होते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये 21 और 22 में जो वर्ड दिए हुए हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित, उत्कर्ष। अब हम अनुग्रहित, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अनुग्रहित जो शब्द है वह शुद्ध है, तो ये भी शुद्ध है, ठीक है। और हमारा उत्कर्षता भी शुद्ध है, कोमलांगी भी शुद्ध है, तो हमारा गलत कौन सा हो गया, हमारा हमारा जो कोमलांगी शब्द सही नहीं है, हमारा जो है वो है अशुद्ध है, वो हमारा कोमलांग शब्द अशुद्ध है, बाकी हमारा सब शब्द सही है। तो हमारा जो इसमें प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्कर्षता, कोमलांगी इसका आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है। ये कोमलांगी ना होकर के कोमलांग शब्द लिखा जाता है, ना कि कोमलांगी। सम्मिलित भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, और उत्कर्षता भी सही है। तो ये हमारा शब्द क्या है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। ये क्या है, शब्द वर्तनी में गलत तरीके से लिखा हुआ, इसका सही तरीका क्या होता है, कोमलांग होता है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। दूसरा, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तीसरा, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। और चौथा, तो इसमें जो पहला जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब यहाँ पे बाकी में गलती क्या है, इन्होंने लिखा है कि हर एक, पहले इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, तो जहाँ जहाँ हर एक है वह आप गलत कर सकते हैं। और विद्यार्थी, अब जब प्रत्येक की बात चल रही है, एक विद्यार्थी की बात चल रही है, तो फिर हम विद्यार्थी बहुवचन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा इसी प्रकार से हमारा गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ अनेकों दिया हुआ है वह शब्द भी गलत है, क्योंकि इसका जो अनेक अपने आप में बहुवचन कहलाता है, तो इसको अनेकों शब्द जहाँ पे आपको मिलेगा वो अनेकों शब्द भी आपका गलत होगा। तो इस प्रकार से बी और सी डी तीनों गलत हो गए, और इस प्रकार से आपका शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। हर एक तो चल जाता है, हर एक तो शब्द सही है, लेकिन विद्यार्थियों, जब एक की बात चल रही है तो विद्यार्थियों शब्द नहीं होगा, बहुवचन ही विद्यार्थी होगा। यहाँ पे अनेकों इस्तेमाल हुआ है, तो अनेकों, इस प्रकार से ये अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है, 24 का ए हमारा शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपर्युक्त कथन असत्य है। अब इसमें से वाक्य अशुद्ध कौन सा, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, देखो गेहूं ही पिसवाया जाता है और चक्की पर जाया जाता है, तो वह चक्की पर गया, तो यह वाक्य क्या है हमारा, सही है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, तो बी वाला भी सही है। अगर हम देखें सी वाला, कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की दुकान नहीं है, मिठाई की एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान थोड़ी ना होगी, मिठाई की एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान नहीं है, तो जो शब्द है, एक शब्द जो है वो मिठाई की शब्द के बाद आना चाहिए, तब ये वाक्य शुद्ध होता है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया हमारा, सी वाला। और ये जो शब्द है डी वाला, जो वाक्य है उपर्युक्त तो कथन अशुद्ध, ये भी वर्तनी में सही लिखा हुआ है। 26, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक वाक्यों के लिए एक शब्द हमें बताना है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना जन्मा हो। शत्रु अजात मतलब जो जन्म ना लिया हो, शत्रु जिसने शत्रु ने जन्म ना लिया हो। खोज करने वाला इंसान क्या कहलाता है, अन्वेषक होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वह क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सुग्रीव, सुंदर ग्रीव मतलब ग्रीव गर्दन होती है, तो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सके, इंद्रियों द्वारा ना हो सके,
शब्द पे ध्यान दीजिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो उसका क्या अर्थ है? अतिंद्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द बताएं, सही युग में कौन सा है? तो जो स्त्री अभिनय करे उसको तो अभिनेत्री बोलते हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरणिक। तो व्याकरणिक नहीं बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। और जो शब्द जो आँखों से, इसको व्याकरणिक, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, इसमें कुछ करेक्शन होगा जी। शब्द में चुनना था कि सही युग्म का चयन करना है, तो हमें सही युग्म चयन करना है, मतलब एक हमारा सही युग्म होगा, बाकी तीन हमारे गलत होंगे। तो जो पहला जो है ए है, हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, जो वो भी गलत है। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होती, तो ये गलत हो गया। और जो व्याकरण जानता हो उसको हम कहते हैं व्याकरण, और आँखों से परे तो प्रत्यक्ष, ये भी गलत है। लौटकर आया हुआ क्या होता है? प्रत्यागत। तो ये हमारा जो बी है और ए बी सी, ये तीनों गलत थे, और डी हमारा इसका आंसर सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, ठीक है। तो जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरणिक नहीं बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। परिवा का तत्सम रूप क्या है? प्रतिपदा। परेवा, परवा, परेवा, परिवा, ये तद्भव के तरीके से लिखे हुए, लेकिन फिर भी ये गलत शब्द लिखे हुए हैं। परिवा एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? प्रतिपदा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम होता है ओष्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत के तरीके से शब्द लिखे हों उनको आप पहचाने, इनमें से संस्कृत तरीके से कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ओष्ट, वही शब्द हमारा क्या है? तत्सम है। बाकी शब्द आपको साधारण तरीके से लिखे हुए हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म चुनिए। वह युग्म हमें चुनना है जो सही हो। तो खरपट, खरपट, खोपड़ी, सत्तु, सत्य, घोटक, घोड़ा, पर्यक, पलंग। तो हमें निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म चुनना है। तो पर्यक, पलंग, हमारा ये जो शब्द है हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसमें गलत क्या है? खोपड़ी का खरपर होता है, खरपट नहीं होता है। सत्य का सत्तु नहीं होता है, सत्तु तो सत्तु का शब्द से हो गया, सत्तु, सत्य का सत्तु, ये गलत शब्द है। और घोटक का घड़ा नहीं होता है, घोटक का घोड़ा होता है। तो आपको पहली नज़र में ये घोड़ा जैसा समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये घोटक नहीं, घड़ा लिखा, ये घोटक और ये घड़ा, ये गलत लिखा। घोटक का जो तद्भव, ये घोटक जो है तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव जो होता है घोड़ा होता है, ठीक है। खरपट क्या होता है? खरपट नहीं होता है, खरपर होता है, खरपट तत्सम शब्द है, और खोपड़ी तद्भव, लेकिन ये शब्द क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ। तो सही शब्द कौन सा है हमारा? पर्यंक, और उसका तद्भव पलंग, ठीक है। क्वेश्चन हमें मैच करना है कि पहला शब्द हमारा तत्सम हो, दूसरा शब्द हमारा तद्भव हो, तो इसमें पहला शब्द हमारा तत्सम है, दूसरा शब्द हमारा तद्भव, इसी वाले हैं। तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा है? आंसू, बानर, एकत्र, उच्च। बाकी शब्द कैसे हैं? हमारा एकत्र, उच्च और बानर, ये हमारे तद्भव शब्द हैं, माफ़ कीजिएगा, तत्सम शब्द हैं, हमें तद्भव शब्द बताना है। आंसू, मैं आपको एक यहाँ पे हिंट देता हूँ कि जिस शब्द के ऊपर आपको इस तरीके से चंद्रबिंदी दिखे तो वह शब्द की अधिकतम संभावना होती है कि वह शब्द आपका तद्भव शब्द कहलाएगा। अगर सिर्फ बिंदी लगी हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो तद्भव, कि वो तत्सम भी हो सकता है, लेकिन जिस शब्दों में के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदी लगी हो तो वह शब्द क्या होगा? तद्भव होने की अधिकतम ही संभावना है। जिस प्रकार से आंसू, कपित्त का तद्भव शब्द क्या होता है? कपित्त का तद्भव शब्द होता है कैथा। कपूर, कर्पूर हम पढ़ चुके हैं, उसका तत्सम होता है केला, कदली होता है। खजूर का तत्सम खरजूर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो हमें गुणवाचक का यहाँ पर फिर से विशेषण बताना है। तो गुण, पाँचवा, तीन, कुछ, ये सब क्या गुण है? क्या ये संख्या है? ये तीन है, कुछ, ये परिमाण है। उचित क्या है? ये आपने उचित कार्य नहीं किया, तो कार्य कैसा था? उचित नहीं था। तो कार्य की जो व्याख्या उसने की है वो एक गुण के रूप में की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो हमें एक वह विशेषण चुनना है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो जो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा श्रीमान, इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था, जैसे आप समझे कंपरेटिव, सुपरलेटिव और जो नॉर्मल डिग्री जो होती है, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री की बात चल रही है। उत्तमावस्था मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी, उत्तमावस्था मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो आप साफ साफ समझते हैं कि पहले विकल्प में एक गुण लिखा हुआ है और सबसे उत्तम रूप का गुण लिखा हुआ है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है। तो ये गुण है उसका, होशियार है, और सबसे होशियार है, तो ये उत्तमावस्था को बताता है। उत्तमावस्था मतलब उसकी सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो सौर किस मूल शब्द बना है? सौर सूर्य से बना हुआ है। अगला शब्द हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो
आग, आग्ने, अग्नि, तो आग्ने क्या है, हमारा विशेषण शब्द है, जैसे बोलते हैं ना आग्ने चट्टाने, और ये बना किससे है, ये आग से बना हो, तो आग्ने हमारा विशेषण हो गया, और जो आग हमारा शब्द हो गया वो हमारा हो गया विशेष, हो गया संज्ञा शब्द हो गया। तो मतलब जो अब ये पूछ सकते हैं ना कि निम्न में से, अब यही प्रश्न पूछे थे कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर ए हो जाता है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, विशेषण शब्द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार प्रभा मंडली, तो सभी लोग जानते हैं आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची अर्क वर्क मणिक कनक, सभी जानते हैं कनक होता है, सभी ने वो कबीर जी का दोहा सुना है, कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिकाय, ए खाए बौराए जग सो पाए बौराए। 43, उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, वाक्य में पखेरु, तो पखेरु का अर्थ होता है पक्षी, तो यहाँ पे वही बताना है कि यहाँ पे पखेरु का अर्थ क्या है। देखो प्राण उड़ेंगे कैसे, जब वे पक्षी के रूप में होंगे, तो पक्षी प्राण पखेरु, इस प्रकार से उसका शब्द क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, तो उसका पर्यायवाची क्या हो गया, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सुधांशु सुधाकर सुधाकर सुधाधर सलिल, सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सलिल किसका पर्यायवाची, सलिल पानी का पर्यायवाची है, इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 44 का डी। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह शब्द है माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अम्ब अम्बा जननी अम्बू, अम्बू किसका पर्यायवाची, अम्बू जल का पर्यायवाची, इस प्रकार से ये माता का पर्यायवाची हमारा नहीं कहलाएगा। बाकी अम्ब हमारी माता का पर्यायवाची, अम्बा और जननी सभी लोग जानते हैं, जननी हम माता को बोलते हैं। भौतिक का विलोम शब्द, भौतिक का विलोम शब्द कहलाएगा आध्यात्मिक, भौतिक का मतलब जो भौतिक रूप में, दार्शनिक राजनीति सांस्कृतिक आध्यात्मिक, जो हमारा आध्यात्म से जुड़ा हो। प्राची का शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द किया जाएगा प्राची का प्रतीची, इसमें अक्सर लोगों का गलत होता है, कई लोग नवीन लगा देते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या होता है, प्रतीची होता है। अगला क्वेश्चन, समष्टि का विलोम व्यष्टि, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो समष्टि का विलोम व्यष्टि, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो गलत युग्म हमें ढूंढना है विलोम शब्दों में से, तो विधि का निषेध सही होता है, विधि जो कानून है और निषेध जो कानून है नहीं है, तो उसका निषेध है। आवाहन का विसर्जन, आवाहन मतलब बुलाना, विसर्जन माने विसर्जित कर देना। अमीय का मत अमीय हलाल, तो ये भी सही, अमीय अमृत होता है, हलाल विष का मतलब होता है। आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का होता है दुराग्रह होता है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म सही है, तो अब कौन सा सही है, आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अविप्सित, दोष का सदोष, आदृत का निरादृत, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है इसका आंसर ये सही है, आदृत का निरादृत होता है। आकीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता है, और दोष का सदोष नहीं होता है, दोष का मतलब भी वही मतलब हो गया, सदोष का मतलब भी होगा कि दोष के साथ, तो सदोष दोष एक जैसे होगा, इनका सदोष का दोष का विलोम इनका क्या होगा, निर्दोष होगा, दोष निर्दोष। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो इसका डी आंसर होगा, दय दे दीप्यमान, दय दीप्यमान गलत होगा, दे दीप्यमान इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, तो कौतूहल सही लिखा हुआ है, अनधिकार सही लिखा हुआ है, आपको जब अशुद्ध बताना होगा तो उसमें अनाधिकार मिलेगा, लेकिन उसका शुद्ध तरीका क्या है, अनाधिकार, इसका जो शुद्ध अशुद्ध तरीका होता है लिखते हैं अनाधिकार, लेकिन इसका शुद्ध तरीका है अनाधिकार, तो हमारा ये जो हो जाएगा इसका जो अशुद्ध वर्तनी है ये वो पौराणिक ना होगा कि पौराणिक होगा, तो ये हमारा डी आंसर इसका सही है, ये अशुद्ध वर्तनी इसकी लिखी हुई है। 53, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, हमें शुद्ध वाक्य बताना है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो हमें शुद्ध वाक्य बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि अनेकों लिखा हो तो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे अनेक शब्द लिखा हुआ है और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है। डी वाले में क्या गलत है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है, अब यहाँ पर क्या है, शब्दों का रिपीटिशन है, इन दोनों में अब इन दोनों में यहाँ पे केवल शब्द ना इस्तेमाल होकर सिर्फ यह इस शब्द में यही इस्तेमाल होगा, केवल जो है अनर्थक रूप से लिखा हुआ है, तो इन दोनों शब्द में यही अंतर है, तो इसका सही होगा, वह बिल्कुल भी बात करना, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये बिल्कुल अशुद्ध है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, यहाँ भी निरर्थक यूज़ है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो भी अनिरर्थक यूज है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता से काम चल जाता, लेकिन हो यहाँ पे जबरदस्ती में लगाया, उस वजह से ये शुद्ध वाक्य अशुद्ध हो गया, तो इसका वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, सी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है
इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। दूसरा, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सी और डी भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको सीधे बता दूं कि इसमें एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी तीन अशुद्ध क्यों है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि निरर्थक रूप से भी शब्द का इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसकी वजह से यह गलत है। बाकी आप बाकी जो वाक्य हैं वो एक ही सेंटेंस एक ही तरीके से लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। देश में वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का रिपीटेशन हुआ है। देश में वर्तमान और मौजूदा एक ही चीज़ को बताते हैं, वर्तमान और मौजूदा एक ही शब्द को बताते हैं, तो इसमें एक ही शब्द से काम चल सकता है, या तो फिर वर्तमान लिखते या फिर मौजूदा, इसलिए ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी वाला सही है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ। डी, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। 56 नंबर क्वेश्चन, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसमें हमें एक शब्द बताना है, तो अनुश्रुति। अनुश्रुति क्या है, अनुश्रुति जो हम सुन सुन करके हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वज से सुना, हमने अपने पूर्वज से सुना, तो इस तरीके से परंपरागत रूप से वो बात चली आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुश्रुति बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, आपको मैं बताऊं कि आपको रामायण की वो कहानी आपको याद होगी कि जिसमें हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं, तो जब वो लंका दहन में उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो लंका की गर्मी से उनको पसीना उत्पन्न हो जाता है, तो वे जिस नदी के ऊपर से होकर के निकल रहे होते हैं, तो उनमें उसका पसीना टपक जाता है, और वो मगरमच्छ, एक मादा मगरमच्छ रहती है, वह इस पसीने को ग्रहण कर लेती है, तो जिससे वह गर्भवती हो जाती है, उसको एक पुत्र होता है, और पुराणों में एक तरीके से उन्हें हनुमान जी का ही पुत्र कहा गया है, तो हनुमान जी को भी नहीं पता होता है कि उनका एक पुत्र भी है, तो इस प्रकार से उनका एक पुत्र भी हो जाता है, तो इस प्रकार से उसके लिए शब्द है स्वेदज। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा, अब यहाँ पर सीधे इन्होंने एक शब्द लिख दिया और ये किस वाक्यांश के लिए हमें उस तरह से ढूंढना है, तो जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकर ना हो। अब देखिए, अपरिणीत, अगर हम इसका आ हटा दें तो परिणीत परिणय शब्द से बना हुआ है, तो परिणीत परिणय मतलब होता है विवाह, और परिणीत मतलब विवाह हो गया हो। अब यहाँ पे आ शब्द लिखा हुआ है, तो आ यहाँ पे नेगेटिव चीज़ को दिखा रहा है, तो मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त है, दुर्निवार मतलब, अब इसको भी अगर हम अलग अलग करके देखें, तो दू और निवार, मतलब निवार का मतलब होता है जिस करना किसी काम को, और दू मतलब होता है कठिनाई, तो जिसे दूर करना कठिन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पेपर की प्रकृति किस प्रकार की होती है, और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और किस प्रकार से आयोग घुमा फिरा के एक ही प्रकार के प्रश्न को अलग अलग तरीके से बनाकर पूछता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगामी वीडियो में इसे संबंधित लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल से संबंधित वीडियो को देखते रहें और उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।